गीता, आप देख रहे हैं वॉइस 24 न्यूज़ चैनल, आपकी अपनी आवाज़। आज बच्चा पार्क चौराहे पर बूंद फाउंडेशन द्वारा पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ और जीवन बचाओ मुहिम के तहत लोगों को जागरूक एवं संदेश देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। आइए बात करते हैं बूंद फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री रवि कुमार जी। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िला मेरठ में प्रतिदिन पानी का लेवल गिर रहा है, जिस चीज़ के लिए हम चिंताजनक का विषय है और इस चीज़ को हम एक सीरियस ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये अभियान चला रहे हैं गांव-गांव जाके, घर घर जाके लोगों को, सोशल मीडिया पे भी पेड़ देने का जो है हम अभियान चला रहे हैं। और मतलब जैसे कि कल होली है, परसों भी होली है और हम जो है ये चाहते हैं कि पानी का वेस्टेज कम से कम हो, 364 दिन जो है वो बचा के रखें। भले ही होली पे जो है वो बर्बाद करते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना कम से कम पानी को बर्बाद कर सकें। मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी से, मेरी हाथों से विनती है, और सभी अपने पार्क, घर के बाहर जो भी पेड़ लगाना चाहें उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करना चाहते हैं, जिसकी वो जिम्मेदारी ले सकें। और बाकी आज जो है हमने वोमेंस डे भी देखा, मतलब है, तो इस वजह से हमने इन छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं जो हमारी टीम में है इनके माध्यम से यही संदेश देना चाहा। जैसे कि एक महिला है, महिला का केस चल रही है, जो निव्या की माँ है, जो पहले 7 साल पहले हुआ, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। फिर भी हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि हम कि माँ भी चाहिए, पति भी चाहिए, और क्यों नहीं करते कानून को जो है इस चीज़ को लेकर जो है एक कठोर कानून बनाना चाहिए, संशोधन करना चाहिए कि जो भी कोई किसी तरह का दुष्कर्म करे उसको ऑन द स्पॉट फांसी मिलनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम रेनू भाटी है और आज हम पानी बचाने के लिए, इसके साथ ही साथ आज महिला दिवस है, सभी महिलाओं को मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमें बहन भी चाहिए, बेटी भी चाहिए और माँ भी चाहिए, तो फिर हम बच्चों को, छोटी बच्चों को घर में क्यों खत्म करें, क्यों दुनिया नहीं देखनी चाहते दिखाते, क्योंकि अगर छोटी बच्ची नहीं होगी, बेटी पैदा नहीं होगी, तो कैसे एक माँ बनेगी, कैसे एक बहन बनेगी, तो महिलाएं कहाँ से आएंगी। तो बेटों के साथ साथ लड़कियों को भी पर्याप्त अधिकार दें और उनको बचाएं और जहाँ तक हो सके उनको अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि एक शिक्षित लड़की, अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो केवल मात्र एक लड़की नहीं है, वो आगे जाके बहन भी है, माँ भी है और एक पत्नी भी है, वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जो नारी होती है, स्त्री होती है, उसका कोई घर नहीं होता है, लेकिन मैं उन लोगों से ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या उस स्त्री के बिना भी कोई घर होता है, उसके बिना घर अधूरा है। इसलिए बेटी बचाइए और बेटी पढ़ाइए भी, साथ ही साथ रंगों का त्यौहार है, उसे रंगों से मनाएं, पानी की बर्बादी ना करें। हैप्पी होली एंड हैप्पी वीमेंस। थैंक यू। आज हमने बात की बूंद फाउंडेशन के कुछ अध्यक्ष और टीम मेंबर्स से, जिन्होंने दुनिया को संदेश दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ और जीवन बचाओ। कैमरामैन मोनिस अपा।